हेलो दोस्तों, मैं तरुण आपके अपने चैनल तरुण स्लैब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप के बारे में। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, तो आपके इंटरव्यू में पूछे जाने वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। दोस्तों, आपने जनरेटिंग स्टेशंस के बारे में सुना होगा, उन्हें पावर प्लांट्स भी हम बोलते हैं। ये अलग अलग माध्यम से वोल्टेजेस बनाते हैं। पानी से बिजली बनाते हैं तो उसे हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। सूरज की रोशनी से बिजली बनती है तो उसे सोलर पावर प्लांट कहते हैं। वायु से बिजली बनती है तो उसे विंड पावर प्लांट कहते हैं। कोयले से बनती है तो थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। इन पावर प्लांट से वोल्टेज बनने के बाद इसे मेन ग्रिड में सप्लाई किया जाता है। मेन ग्रिड से सब ग्रिड में, सब ग्रिड से आपके घरों के नज़दीकी ट्रांसफार्मर तक, ट्रांसफार्मर से आपके मेन मीटर तक, और मेन मीटर से हम अपने मेन बोर्ड तक सप्लाई ले जाते हैं, और उसके बाद आपके अलग अलग इलेक्ट्रिकल आइटम्स तक ये पहुंचती है। दोस्तों, इस सभी प्रक्रिया में वोल्टेज बनने से लेकर आपके घरों में आने तक वोल्टेजेस में एक लॉस हो जाता है। इन लॉसेस को हम वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं। इसका मुख्य कारण ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंसेस का होता है। आगे चल के एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है और इसके मुख्य कारणों के बारे में भी हम जानेंगे। बढ़ते हैं हम वीडियो की ओर। दोस्तों, ये एक वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। वायर के इस एंड पर V1 वोल्टेज है और इस एंड पर V2। इसका एक R रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जो दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा V1 - V2, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप में इधर आपको इस एंड पर ज्यादा वोल्टेज होगी और इस एंड पर कम होगी, क्योंकि कुछ वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो जाती है, तो VD हो जाता है वोल्टेज ड्रॉप हमारा V1 - V2। अब दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा V = IR। V होती है हमारी वोल्टेज, I होता है करंट और R रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमारी जो ये V है, ये वोल्टेज ड्रॉप को ही दिखाएगी। I इसमें से करंट जा रहा है वायर में से, R इसका रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों, यहाँ से एक कारण हमें यहाँ पता चल जाता है कि हमारी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो करंट पर डिपेंड करती है। करंट हमारा इलेक्ट्रिक लोड पे डिपेंड करता है, तो वोल्टेज ड्रॉप हमारी इलेक्ट्रिक लोड पर डिपेंड करती है। सेकंड हमारी रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस R का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ρL/A। अब इस फॉर्मूला को समझते हैं। इसमें रो होती है रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। L होती है लेंथ हमारी वायर की या कंडक्टर। यहाँ पर लेंथ जो है वो हमारी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो जाती है। A होता है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसे हम स्क्वायर mm भी बोल देते हैं। ये हमारा एरिया होता है। यहाँ पर दोस्तों जो रेजिस्टिविटी है वो हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है, किस पदार्थ का बना हुआ है, कॉपर का है या एल्युमिनियम का। कॉपर के केस में होती है 1.72 × 10⁻⁸ और एल्युमिनियम के केस में होती है 2.65 × 10⁻⁸ ओम मीटर। इसीलिए दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा, जब आप कॉपर वायर लेते हैं मार्केट से तो वो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट करती है एल्युमिनियम वायर के कंपैरिजन में, क्योंकि रेजिस्टिविटी एल्युमिनियम की ज्यादा होती है, कॉपर की कम होती है। तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर दोस्तों हमारी डिपेंड हुई रेजिस्टिविटी पर। रेजिस्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होता है। लेंथ बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ता है और उससे भी हमारी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ती है। इसलिए जनरेटिंग स्टेशन से हमारे जो इलेक्ट्रिकल लोड होंगे वो जितना ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे उतना ही उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, और हमारा एरिया पर जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना वोल्टेज ड्रॉप हमारा कम हो जाएगा। इसलिए एरिया बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप कम होता है और वो ज्यादा करंट ले जा सकता है। इसलिए जितना ज्यादा वायर का स्क्वायर mm होता है उतना ज्यादा करंट को कैरी कर सकता है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो हमारी रेजिस्टिविटी है वह हमारी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, वोल्टेज ड्रॉप के जो मुख्य कारण है वो हमारा इलेक्ट्रिकल लोड है, टेम्परेचर है, रेजिस्टिविटी है, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। यह दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप के मुख्य कारण है। अब मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। दोस्तों, मेरे पास ये दो मल्टीमीटर है, एक 9 वोल्ट की बैटरी है, एक रजिस्टर है 33 ओम का। इनकी हेल्प से मैं आपको वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है दिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने दो मल्टीमीटर इसलिए लिए हैं, एक से मैं आपको इसकी वोल्टेज मेजर करके दिखाऊंगा, एक से हम करंट को मेजर करेंगे। अब हम इस मल्टीमीटर की नोब को 20 वोल्ट पर सेट करते हैं और इसको मैं परमानेंट इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। आप मल्टीमीटर में रीडिंग देख सकते हैं, ये 9 वोल्ट
डीसी दिखा रहा है। मैंने ये मल्टीमीटर पैरेलल में लगाया है। इसके बाद मैं इसमें रेजिस्टर लगाऊंगा, ये हमारा सीरीज में लगेगा और ये मीटर भी हमारा करंट मेजर करने के लिए सीरीज में कनेक्ट होएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टर को कनेक्ट किया है और यहाँ पर आप डीसी वोल्टेज दे सकते हैं, ये हमारी 9 वोल्ट है और इस मीटर को हम एम्पियर वाले पॉइंट पर सेट कर देते हैं। ये डीसी एम्पियर आपको दिखाएगा और ये हमारा करंट मेजर करने के लिए सीरीज में कनेक्ट होता है। तो हम इस रजिस्टर के सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं और दोनों मीटर के डिस्प्ले पर आप रीडिंग को देखेंगे। अभी इस पर 9 वोल्ट है और इस पर 0 है। अब हम देखते हैं कनेक्ट करने के बाद कितनी आती है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो वोल्टेज आ रही है डीसी वो 6.2 के आसपास में आ रही है और हमारी जो डीसी करंट है वो 0.178 के आसपास है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी है दोस्तों कि हमारी जो डीसी वोल्टेज है वो हमारी 6.2 हो जाती है जैसे ही हम इसको कनेक्शन करते हैं। तो ये दोस्तों जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है 2.8 वोल्ट का, यही हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है समझ में आया होगा, साथ में इसके मुख्य कारणों के बारे में भी आपको पता चला होगा। इस तरह के इलेक्ट्रिकल पर वीडियोस पाने के लिए तनु स्लैब को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।